हरियाणा और महाराष्ट्र में बढ़े अपने वोट प्रतिशत को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। यही वजह है कि वो मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेर रही है और कांग्रेस के मोदी सरकार पर चलने वाले तीर अब और भी तीखे होने वाले हैं, जिसके लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई। तो आज कांग्रेस की बैठक में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोनिया गांधी ने जब से कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान दोबारा संभाली है, पार्टी में एक नया जोश नजर आ रहा है जो मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है। एक तरफ सोनिया गांधी पार्टी में हुए बिखराव पर लगाम लगाते हुए पार्टी को मजबूत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर जमकर बरस रहे हैं और अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी और तेज कर दी है। दरअसल आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने की योजना पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में जहां पार्टी के अंदरूनी कामों को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं 30 नवंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करने का भी ऐलान किया गया। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की घोषणा की है। इस रैली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के भी शामिल होने की संभावना है। बैठक में मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र की नीतियों से देश में महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है जो 13 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान देश का सियासी पारा भी गर्माने की संभावना है। इस बीच रैली के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस केंद्र सरकार को आर्थिक मंदी के साथ ही किसानों की समस्या पर भी आड़े हाथ होलेगी, क्योंकि देश के तमाम सेक्टर इस वक्त मंदी की चपेट में हैं। कंपनियां काम बंदी करने को मजबूर हैं, लोगों से रोजगार छिन रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार को लगातार आईना दिखा रहे हैं और अब 30 नवंबर को रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलेगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।